अक्सर गलत खान पान की वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं, और आजकल तो लगभग सभी का खान पान बिगड़ा हुआ ही है। तो गलत खान पान की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? विश्व में जितने भी मौतें हो रही हैं, उनमें से 70% लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के कारण मर रहे हैं। तो जितने हार्ट डिजीज हैं वो सारे इसमें हैं, हाई ब्लड प्रेशर इसमें है, स्ट्रोक जो ब्रेन अटैक होता है जिसको पैरालिसिस बोलते हैं या लकवा बोलते हैं आम भाषा में, कैंसर्स, डायबिटीज। 60 से पहले हम खाते थे मोटे अनाज, अब हमने खाना शुरू कर दिया चावल और गेहूं, जिनका फाइबर कंटेंट बहुत ही कम था और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई था। क्या चीज ऐसे में खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? तो अगर हमने मोटापा ठीक करना है, अगर हमने अपना हाई ब्लड प्रेशर ठीक करना है, अगर हमने अपनी डायबिटीज ठीक करनी है, तो इलाज मोटे अनाज हैं। डॉक्टर खरबंदा, एक स्वस्थ इंसान के लिए मिलेट्स की कितनी मात्रा सफिशियंट होती? जब तक खूब भूख ना लग जाए तब तक खाने की आवश्यकता नहीं है, और जितनी भूख हो पेट को 1/3 खाली छोड़ना है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर H.K. खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। डॉक्टर खरबंदा, अक्सर गलत खान पान की वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं, और आजकल तो लगभग सभी का खान पान बिगड़ा हुआ ही है। तो गलत खान पान की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? वंदना जी, बहुत अच्छा आपने विषय चुन लिया है। एक जानकारी सबसे पहले ये दूं कि विश्व में जितने भी मौतें हो रही हैं, उनमें से 70% लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के कारण मर रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी लाइफस्टाइल डिजीजेस, यानी खान पान गलत होने की वजह से जो बीमारियां आती हैं। और आपने पूछा कि कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, तो जितने हार्ट डिजीज हैं वो सारे इसमें हैं, हाई ब्लड प्रेशर इसमें है, स्ट्रोक जो ब्रेन अटैक होता है जिसको पैरालिसिस बोलते हैं या लकवा बोलते हैं आम भाषा में, कैंसर्स, डायबिटीज और क्रॉनिक लंग डिजीजेस, जो लाइफस्टाइल जो स्मोकिंग वाले हैं, ये सारी बीमारियां इसमें आती हैं। और इसकी वजह से कुल मौतों का 70% इन बीमारियों की वजह से होता है। दरअसल हुआ ये अपना वंदना जी, ये 1960 से पहले भारतवर्ष में अनाज पूरा नहीं था। तो 1960 में सरकारों के प्रयास से भारतवर्ष में हरित क्रांति का लाई गई। हरित क्रांति आने पर क्या हुआ कि पूरे देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए, राशन कार्ड का जमाना था, राशन कार्ड के जरिए सस्ते दामों पे गेहूं और चावल ये लोगों के घरों के आसपास राशन के डिपो में मिलने लग गए। कार्ड दिखाएं, लाइनें लगनी शुरू हो गई और सस्ते रेटों में ये मिलना शुरू हो गया। और जो भुखमरी वाली हालत थी, लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर खाना ही नहीं मिलता था, उनको बहुतायत में अनाज मिलने लग गया। लेकिन इसने बदल दिया। क्या बदला? 60 से पहले हम खाते थे मोटे अनाज, अब हमने खाना शुरू कर दिया चावल और गेहूं, जिनका फाइबर कंटेंट बहुत ही कम था और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई था। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से और फाइबर इंडेक्स कम होने की, फाइबर्स कम होने की वजह से पेट में जाते ही ये घुलते थे और एकदम से शुगर रिलीज करते हैं, और डायबिटीज, वो कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, इमीडिएटली कार्ब्स खूब सारे मिलते थे। तो ये इसलिए लोगों की तोंद बाहर आनी शुरू हो गई। तो जिसको समर्थता का निशानी देखी जाती है, खाते पीते घर का लड़का है, लेकिन खाते पीते घर का लड़का तो है, लेकिन ये नहीं पता कि वो खाने पीने वाला घर बीमारी का घर है। जी वंदना जी, क्या चीज ऐसे में खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि हमें अपना मूल अनाज, स्टेपल फूड, जो हमारा स्टेपल फूड है भारतवर्ष में इस वक्त, ताजी बात करें आपकी, हरित क्रांति के बाद की बात करें, तो या तो गेहूं है कुछ राज्यों में, जो जहां राइस ज्यादा होते हैं पानी वाले, जैसे बंगाल है, उधर असम है, वहां पे चावल ज्यादा है,
तो डिपेंड करता है किस जगह की हम बात कर रहे हैं। तो स्टेपल फूड हमारा ये अनाज है, लेकिन इनको बदलने की आवश्यकता है, इनमें बहुत ज्यादा बदलाव चाहिए। और एक बात और, 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है और ये आह्वान भारत का है। यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में इसको अप्रूवल किया गया और 70 देशों ने इस अप्रूवल को मान भी लिया है। तो पूरा विश्व अब मोटे अनाज की तरफ वापस जा रहा है। जो मोटा अनाज आज हम या तो उगाते नहीं है क्योंकि उसमें एमएसपी नहीं है, उसमें किसान भाइयों को कुछ मिलता नहीं है, हालांकि उसकी जंगल फार्मिंग होती है, इतना आसान है उगाना, पानी भी बहुत कम चाहिए, किसान जाता है एक बार उसको बो के फिर काटने ही जाता है खेत में, इतना आसान है। तो ये तो वक्त की इस वक्त जरूरत है कि जब तक, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, तो अगर हमने मोटापा ठीक करना है, अगर हमने अपना हाई ब्लड प्रेशर ठीक करना है, अगर हमने अपनी डायबिटीज ठीक करनी है, तो इलाज मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज में 5 श्री धान्य मिलेट्स हैं, जिसका इस्तेमाल अगर हम करें तो डेफिनेटली हमें अपने, अगर अनाज मूल अनाज को बदल लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा। पांचों अनाज मैं बता देता हूं, कंगनी, छोटी कंगनी, कुटकी, सावा और कोदरा, ये पांचों अगर हम अनाज खाना शुरू कर दें, चाहे इसको हम चावलों के रूप में या खिचड़ी के रूप में या इसका आटा बना के, इसकी रोटी या इसका डोसा या इसकी हर तरह में बनने लग गया, अभी इडली बन जाती है, सांबर बन, सब कुछ इसका बन जाता है। तो अगर हम ये मूल अनाज में परिवर्तन कर लें, इसके साथ साथ हर तरह का मीठा खाना कम से कम कर लें, और दूध, ये मिल्क बहुत, क्योंकि मिल्क को नॉन वेजिटेरियन माना जाता है, दूध जो है वो माँ से बच्चे को, माँ के शरीर में पैदा होता है और वो अपने बच्चे के लिए है, ना कि लोगों के लिए है। तो इसको हमें दूध, वैसे भी देखिए बच्चे बचपन में माँ का पी लें, बस उससे ज्यादा दूध की आवश्यकता नहीं होती। तो इस, अगर हम चार ये बदलाव अगर अपने खाने पीने में ले आए, और इसके साथ साथ ये जो हमारा शरीर है ये शारीरिक परिश्रम के लिए बना है, जो हमने छोड़ दिया, हमने वाहन इस्तेमाल कर लिए, जहां मर्जी जाना हो, पहले सब पैदल जाते थे तो ठीक रहते थे। तो ये सारे बदलाव अगर हम अपनी जिंदगी में ले आते हैं तो स्वस्थता वापस आ जाएगी। जी वंदना। डॉक्टर खरबंदा, एक स्वस्थ इंसान के लिए मिलेट्स की कितनी मात्रा सफिशियंट होती है? मतलब एक टाइम में कितने मिलेट खाने चाहिए, कितनी मात्रा में, एक बहुत अच्छा कटोरी, सवाल, एक बिल्कुल गिलास, या कितनी मात्रा? बिल्कुल ठीक। देखिए, जब तक इंसान को भूख ना लगे तब तक खाना नहीं, जब तक खूब भूख ना लग जाए तब तक खाने की आवश्यकता नहीं है। और जितनी भूख हो, पेट को 1/3 खाली छोड़ना है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। अगर आपका, आपको लगता है कि 3 रोटियों की भूख है या 3 कटोरी आपको मिलेट खाना है, तो आप 2 या 2.25 कटोरी से गुजारा चलाइए। जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाएंगे तो हाजमा अच्छा रहेगा, पेट जल्दी हाजमा कर लेगा और पूरी रात शरीर अपने आप को रिपेयर करेगा, तो आप स्वस्थ रहेंगे। कम, देखिए, कम खाने से लोग नहीं मरते, ज्यादा खाने से मरते हैं। तो आवश्यकता से कम खाएं, कम खाने से कुछ नहीं बिगड़ता। आप अपना वजन, हाँ, वजन कम ना होने दें, जितना वजन चाहिए इंसान को सिर्फ उतना मेंटेन करने के लिए खाना है। जितनी भूख है उतना खाएं, थोड़ा सा कम। क्या मिलेट बनाने से पहले उन्हें रात भर भिगो के रखना जरूरी होता है? जी मैडम, अगर सूखा मिलेट आप बनाओगे तो उसका जो फाइबर कंटेंट है डिपेंड करता है 8 से लेके 15% तक होता है, जो पांचों मिलेट्स मैंने आपको बताया। लेकिन अगर हम उसको एक रात पहले 10 गुने पानी में भिगो लेते हैं तो सुबह उसका जो फाइबर कंटेंट है 60% तक चला जाता है, और वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। जितना फाइबर कंटेंट ज्यादा होगा उतना हाजमा अच्छा होगा, उतना पेट साफ होगा, उतने मिनरल्स शरीर में ज्यादा आएंगे, उतने विटामिंस ज्यादा आएंगे, उतने अमीनो एसिड्स ज्यादा आएंगे, उतना इंसान फुर्तीला रहेगा, स्फूर्ति भरा रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। ये कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने में सहायक होते हैं, या ऐसा है कि किसी खास बीमारी के लिए कोई खास मिलेट खाया जाता है? बिल्कुल, डॉक्टर खादर वली ने 25 साल तक रिसर्च करके इन पांचों मिलेट्स को पुनर्जीवित किया है। ये कुछ लुप्त प्राय हो चले थे, लेकिन उन्होंने ढूंढ के इसके सीड्स को कल्टीवेट करके और सीड्स को बांट के और जागरूकता फैला के पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में मिलेट्स को पहुंचाने का काम किया है। तो देखिए, ये मिलेट्स कैसे खाने हैं,
सबसे अच्छा तरीका तो होता है इसकी अम्बली बना के, ताकि इसमें बैक्टीरियाज पैदा हो जाएं। अगर आपने रात को भिगोए, सुबह इसको आप बॉयल कीजिए और फिर 8 घंटे तक मिट्टी के बर्तन में डाल के ऊपर कपड़े से बांध दीजिए। लेकिन ये इतना कंबरसम प्रोसेस सारे लोग नहीं कर सकते, सब लोग आजकल वर्किंग हैं, लेकिन फिर भी रात को भिगो के अगर आप सुबह खा लें तो वो भी बहुत है, बीमारियों को रोकने के लिए वो बहुत है। अगर आपने इसको इलाज की तरह खाना है, आपने मेरे से पूछा किस किस बीमारी, डॉक्टर खादर का कहना है विश्व की हर किसी बीमारी, कैंसर तक को ये ठीक कर सकते हैं, और तो छोटी मोटी बीमारियों की तो बात ही ना करें, तो लगभग हर बीमारी को रिवर्स करने की क्षमता मिलेट्स में है। लेकिन हाँ, कौन सी बीमारी में कौन सा खाना है, इसका प्रोटोकॉल हमारे पास किताब आती है, अगर आपका कोई दर्शक चाहे तो हम उसका पीडीएफ उनको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे लोग मांग सकते हैं तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, आपको पता लग जाएगा। डॉक्टर खादर वली की पीडीएफ किताब है, वो मैं आपको भेज दूंगा जिसको भी चाहिए हो, तो उसके या बिल्कुल व्हाट्सएप पे सवाल करें तो आपको प्रोटोकॉल हम देखिए, इसमें हम मिलेट के कुछ पत्तों के कषाय भी देते हैं साथ में, तो ये और साथ में लाइफस्टाइल बदलते हैं और बहुत ज्यादा बीमारियां हो तो साथ में होम्योपैथिक दवाइयां देते हैं। ये तीन प्रोटोकॉल हैं, इन तीन प्रोटोकॉल के साथ लगभग सभी लाइफस्टाइल बीमारियां ठीक हो सकती हैं, इंसान इन बीमारियों से बच सकता है, अगर हो गई हैं तो वापस हो सकती ऐसी क्या सावधानियां रखी जाएं जिससे कि गलत खानपान ठीक हो जाए और इंसान बीमार ही ना पड़े? है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, वही चार चीजें, हमारे दुश्मन चार ही हैं, उनसे बचना है, चावलों से बचना है, गेहूं से बचना है, दूध से बचना है और मीठे से बचना है। इन चारों से आप बच जाएं, और शारीरिक परिश्रम जरूर करें, रोजाना कम से कम 1-1.5 घंटा पैदल चलें, बस इतनी सी बात है। लगभग धीरे धीरे देखिए, कई बार एक और है, लोग पेशेंस छोड़ देते हैं। मुझे रोज ऐसा फोन आता है, हम तो 3 महीने से मिलेट खा रहे हैं कुछ नहीं हुआ, हम 6 महीने से खा रहे हैं कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, बीमारी आने में तो 15 साल लगे, जाने में भी तो कुछ समय लगेगा, तो ये डिपेंड करता है कि कितनी देर से आपको बीमारी आई है, आप अमली रूप में ले रहे हैं नहीं ले रहे, कषाय साथ में ले रहे हैं या नहीं ले रहे, दवाइयां साथ में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, तो सब्र से इंतजार करें, प्रोटोकॉल फॉलो करें, दवाइयां फॉलो करें, बिल्कुल डिजीजेस रिवर्स हो जाएंगे। डॉक्टर खरबंदा, जाते जाते अपना व्हाट्सएप नंबर सभी को जरूर बताएं ताकि आपसे डायरेक्ट पीडीएफ मंगवा सकें, आपसे बात कर सकें, आपके पास में अपने सवाल भेज सकें। जी, 9815220735, एक ही गुजारिश है, कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, जवाब आ जाएगा। धन्यवाद। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।